हेलो फ्रेंड्स, सेवेस फन की इस बैकलिंक वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम देखेंगे वेबसाइट के एनालिसिस के बारे में। तो आज देखेंगे एक नई वेबसाइट जो हमारे वेबसाइट के एनालिसिस कर सके और हमारी हमें बता सके कि हमारे वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे हमारी वेबसाइट बेटर हो सके और उससे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ सके और हमारे वेबसाइट से अच्छा सा इनकम हो सके। तो देखते हैं उस वेबसाइट के बारे में। ये देखिए, ये neilpatel.com एक वेबसाइट है जिसकी ग्लोबल रैंकिंग है 7747। तो हम देखेंगे कि इनके वेबसाइट के अनुसार हम हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं और हमारी वेबसाइट में चेंजेस करके। तो एनालाइज करेंगे हमारी वेबसाइट sevesfun.com। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम एंटर कर दिया है और मैं अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। ये अभी वेबसाइट पूरी तरह से फेच कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन टेस्टिंग प्रोग्रेस में 100% हो गई। ये देखिए हमारी वेबसाइट की ये ग्लोबल रैंकिंग भी है, वो है 24,71,788, जो एलेक्सा जो ग्लोबल रैंकिंग बताता है उसमें से ये रैंकिंग भी ये वेबसाइट हमें बता देती है। तो और देखते हैं, पेज लेवल SEO स्कोर है, पेज लेवल स्पीड स्कोर है, जो अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो। ये देखिए 7 रिकमेंडेशन है मुझे यहाँ पे पेज लेवल SEO स्कोर के लिए जो इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें नीचे यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा। देखिए एरर क्यों आ रहा है कि मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है हमारी वेबसाइट में। पेज लेवल SEO एनालिसिस के लिए इनका स्कोर हमारे लिए 62 है हमारे वेब पेज का। ये देखिए पेज लेवल स्क्रीनशॉट भी है, हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप पे कैसी दिखती है, टैबलेट पे कैसी दिखेगी और मोबाइल व्यू, ये सभी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैकलिंक काउंटर भी है, वो लो है, और इंडेक्स पेजेस जो होना चाहिए, कीवर्ड्स भी ये बता रहे हैं हमें। सभी जानकारी जो हमारे हाई प्रायोरिटी के, ये जो एरर है ये हाई प्रायोरिटी एरर है, मीडियम प्रायोरिटी के एरर है और ये लो प्रायोरिटी के एरर है, ये हमें रीड करने हैं अच्छे से और देखना है। यहाँ भी देखिए स्पीड लेवल टेस्ट, कंटेंट एनालिसिस, फुल रिपोर्ट, मतलब लोड टाइम एनालिसिस है, साइज के अनुसार साइज कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और ये देखिए रिक्वेस्ट एनालिसिस ये कैसे करना चाहिए ये हमें इन्होंने बताया है। स्पीड की रिकमेंडेशन है, मतलब हमारी वेबसाइट में जो जो प्रॉब्लम है वो सभी ये बताते हैं और ये हम अच्छे से ठीक कर सके तो हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही बैकलिंकिंग वीडियो के लिए और एक्स्ट्रा वेबसाइट के लिए मेरी वेबसाइट रेफर कीजिए sevesfun.com, जिसमें आप ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं, URL पे सबमिट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वेबसाइट के साथ। थैंक यू।